हेलो टू ऑल द एस्पिरेंट्स। पहली बात तो यार ये कि ये वीडियो उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने पूरा मैथ्स का सिलेबस खत्म कर रखा है। अगर आप उनमें से कोई स्टूडेंट हो तो प्लीज आप जाओ, आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपकी चीजें हो जाएंगी। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली मैथ्स सब्जेक्ट में सफर कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दिए जाएं जिनको करके हम एक अच्छा खासा स्कोर मैथ्स में ला सके इन बचे हुए महीनों में। ठीक है, तो आपका मैथ्स में 40-50 मार्क्स स्कोर करने के लिए कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमें करने चाहिए। ऊंचाई की टीम ऑलमोस्ट 20-30 IIT मेंटर्स ने मिलके एनालिसिस किया है, देखा PYQs, लास्ट 10 ईयर के PYQs, 20 ईयर के PYQs देखे और प्रॉपर अपने एक्सपीरियंस से और एनालिसिस से कुछ चैप्टर्स निकाले हैं यार, जिसमें आपको काफ़ी कम इनपुट देना है, आपको काफ़ी ज़्यादा हाई आउटपुट मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ चैप्टर्स की लिस्ट है जिसमें सबसे पहले आपका वेक्टर एंड 3D, इससे यार दो क्वेश्चंस फिक्स होते हैं एंड अगर आप इसे ढंग से कर लो तो वो दो क्वेश्चंस बन ही जाएंगे आपके। थोड़ा सा टाइम दे दो और प्रैक्टिस कर लो तो ये आपका हो जाना है। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल रीजनिंग। अब इससे ईजी क्या लोगे, मैथमेटिकल रीजनिंग को आप एक दिन में 1-2 घंटे भी दे दो ना यार ढंग की कुछ वीडियोस देख लो और कुछ क्वेश्चन से PYQ से प्रैक्टिस कर लो तो भी इसका क्वेश्चन आपका श्योर शॉर्ट एग्जाम में बन जाएगा अगर तो आपने थोड़ा भी टाइम दिया इसे तो। नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स। जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स में स्टैटिस्टिक्स भी आता है एंड स्टैटिस्टिक्स से भी एक क्वेश्चन श्योर शॉर्ट होता है, वो आता ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से भी दो क्वेश्चन फिक्स मान लो आते ही आते हैं एंड ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे आपको काफ़ी सही आउटपुट मिलेगा, आप काफ़ी सही स्कोर कर सकते हो। ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें यार काफ़ी तुम ऑब्जर्व करोगे ना PYQs में, कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो हर बार पूछ लिए जाते हैं तो यहाँ से तुम अच्छा स्कोर कर सकते हो। नेक्स्ट हमें मिला है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन, इसके भी एक क्वेश्चन फिक्स है, इसे कर सकते हो। एंड क्वालिटी के क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्वालिटी क्वेश्चन को ऐसे एडवांस लेवल पे नहीं बट मेंस लेवल पे एक लेवल पे अगर तुम करते हो तो एक क्वेश्चन तुम्हारा फिक्स हो जाता है। ठीक है, उस लेवल पे भी करके ये तुम एक क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। नेक्स्ट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस एंड सीरीज यार दो क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आता ही आता है, अगर इसे आप ढंग से करोगे तो ये आपके दो क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। एंड नेक्स्ट इज पैराबोला एंड सर्कल। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये कॉनिक सेक्शन बहुत टफ लगता है बट पर्सनली अगर मेरी बात करूँ तो मुझे ये अच्छा लगता था एंड सही बताओ तो पैराबोला एंड सर्कल जैसा चैप्टर है ना, इनसे दो क्वेश्चन एकदम कन्फर्म ही होते हैं, वो आते ही आते हैं। तो इसे भी अगर आप एक लेवल पे कर लेते हो तो जेईई मेंस में इससे काफ़ी ईजी क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ऐसे बहुत कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा कि आप एकदम हिल जाओगे, वो रेयर केस होता है जब बहुत ज़्यादा पेपर टफ आ गया है कुछ ऐसा हो गया तो। बाकी इन पे अगर आप एक लेवल पे भी प्रिपेयर करके इन्हें प्रिपेयर कर लो, इनके PYQs कर लो, इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो तो ये दो क्वेश्चन भी आपके श्योर शॉट है। अभी मैंने जितना बताया इसमें आपके 13-14 क्वेश्चन कवर हो गए। 13-14 क्वेश्चन इंटू 4 ऑलमोस्ट अभी कितने मार्क्स हो गए, 52-56 मार्क्स। तो अगर आप इतनी भी चैप्टर्स कर लो तो आप 50+ आराम से स्कोर कर सकते हो। तो यार ये चैप्टर्स आपकी लिस्ट है, आप देख लो इसके अकॉर्डिंग अभी भी जितना टाइम बचा है उतने टाइम में आप इन चैप्टर्स को करके इनकी प्रैक्टिस करके एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो, स्टे कनेक्टेड विद ऊंचाई।